आज एक बड़ा नकाब आम आदमी पार्टी के चेहरे से हटा है। आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल ने सूचना दी है कि अब अक्टूबर से बिजली के बढ़े हुए बिल आएंगे, बिजली पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार से वही बात हुई कि अब अरविंद केजरीवाल अपने सारे पुराने वादों को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने आज स्टार्टअप योजना शुरू करने की बात की है, मतलब 8 साल बाद उनको नरेंद्र मोदी जी की योजना याद आ रही है और अपनी सारी योजनाओं को वो या तो भूलने का नाटक कर रहे हैं या तो भूल जाना चाहते हैं। याद करना होगा दिल्ली को कि इन लोगों ने फ्री बिजली घोषित की, अब आप अक्टूबर से कैसे फ्री बिजली नहीं देंगे। वैसे भी दिल्ली में फ्री के नाम पे 85% लोगों के बढ़े हुए बिल ही आ रहे हैं। इतने बढ़े हुए बिल कि न जाने कितने दुकानदार, कितने लोग बढ़े हुए बिल से परेशान होकर के किस स्थिति में है उसके मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की बिजली और सब्सिडी पंजाब जाएगी? दिल्ली की जनता आपसे हिसाब लेगी अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन फ्री बिजली कैसे दिया गया? जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में और वो खजाने से निकाल करके कंपनियों को जमा किया गया, एक झांसा दिया। उन्होंने जितना एडवर्टाइजमेंट बांटा है, फैलाया है, बर्बाद किया है पैसा, झूठा चेहरा चमकाया। ये जिस प्रकार से अक्टूबर से फ्री बिजली नहीं रहेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे से नकाब हटा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की सब्सिडी अब पंजाब को जाएगी? दिल्ली की बिजली अब पंजाब को जाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको जवाब देना होगा और दिल्ली की जनता आपसे जवाब लेकर के रहेगी। जिसका डर था वही हुआ। दिल्ली को भारी कर्ज में डालने के बाद अब ये आम आदमी पार्टी के चेहरे से उठा हुआ नकाब दिल्ली को भी देखना है, हम सभी को देखना है। और ये धोखा याद रखें।